हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर बुक में देखें, इसमें लिखा है, ये हमारी बुक है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, इसमें लिखा है इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। सो फोर फ्रेंड्स हैं, वो एक ए बी सी एंड डी। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बनता है कि नहीं। सो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हैं, जैसे एक्स का जो है वो 3 है एंड वाई जो है वो 4 है, दिस इज 3 4। एंड सिमिलरली जो बी का कोऑर्डिनेट है वो दिस इज 6, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एंड 7 वाई कोऑर्डिनेट हो गया 6 7। सिमिलरली जो डी का है वो 6 एंड दिस इज 1 एंड जो सी जो है वो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 9 एंड 4। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वेदर ए बी सी डी जे स्क्वायर और नॉट। ओके, सो हमने ये लिखा हुआ है सारे कोऑर्डिनेट्स इसके। तो हम पहले इसमें ये हमें ए बी सी डी ये हमें स्क्वायर बनता है कि नहीं। ओके, तो ये मैंने एक आपको समझाने के लिए फिक्र नहीं है। तो इसको हम फाइंड आउट करें डिस्टेंस ए बी, तो ए बी क्या बनेगा हमारा, एक ये हमारा 3 है 4 एंड 6 और 7। ओके, नाउ जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, नाउ इसमें अब जो एक्स वन है हमारा वो हो गया 3 एंड एक्स टू जो है वो 6 एंड वाई वन जो है वो 4 है, दिस इज 4 एंड जो वाई टू है हमारा 7 है। ये एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू है। ओके, नाउ अगर इसको हम अप्लाई करें तो एक्स टू जो है हमारा वो 6 है, तो यह 6 माइनस 3 एक्स वन 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई टू जो है वो 7 है, तो 7 माइनस वाई वन जो है वो 4 तो इसका स्क्वायर इसका आ जाएगा हमारा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 3 या 9 प्लस 3 3 या 9 ये आ जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18। तो इसको हम स्प्लिट करें तो ये आ जाएगा दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 2 3 3 या 9 एंड 9 टू या 18, तो ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ओके, जो ए बी जो है हमारा वो 3 अंडर रूट 2 आ गया है। नाउ अगर हम डिस्टेंस लें बी सी का, दिस इज बी सी, तो बी और सी पॉइंट लेंगे, तो बी सी डिस्टेंस लें तो बी जो है वो 6 है 7 है एंड ये है 9 है और 4 है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ साइड में लिख देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स टू जो है वो हमारा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू जो है वो 4 माइनस 7 वाई टू माइनस वाई वन 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम इसको सॉल्व करें आगे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3, क्योंकि 7 इज बिगर देन 4 और 7 के आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 3 9 और माइनस 3 कितना होता है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 3 9 प्लस 9, तो यह आ जाएगा प्लस 9, तो यह आ गया है अंडर रूट 18, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 3 जो है बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 आ गया। बी सी जो है हमारा वो ए बी जो है वो 3 अंडर रूट 2 एंड बी सी जो है हमारा वो भी 3 अंडर रूट 2 आ गया। नाउ हम देखें ये भी 3 अंडर रूट 2। नाउ सी डी, सी डी कितना बनेगा सी और डी,
94 और 61 सीयूटी जो है हम लेंगे 94 और 61 तो डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये आ जाएगा x जो इसमें है हमारा वो x1 जो है वो 9 है एंड x2 जो है वो 6 है एंड y1 जो है वो 4 है एंड y2 जो है हमारा वो 1 है सो ये हमारा x2 माइनस x1 x2 जो है वो 6 है माइनस 9 प्लस y2 जो है हमारा 1 है माइनस 4 y1 जो है वो 4 है ओके तो ये आ जाएगा माइनस 3 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर यह आ जाएगा -3 -3 9 प्लस -3 -3 मतलब कितना आ जाएगा -3 -3 मतलब प्लस 9 आता है तो ये भी आ जाएगा 9 यह आएगा अंडर रूट 18 इज इक्वल टू 3 × 3 × 2 3 बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 तो सी डी जो है हमारा वो भी 3 अंडर रूट 2 आ गया है ओके नाउ अब हमें निकालना है दिस इज ए डी ए और डी ये हमारा 3-4 है और 6-1 है ओके तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए डी तो ए डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे ए के जो है वो 3-4 है और डी जो है वो हमारा 6-1 है ओके तो ए डी जो आएगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इसमें हम पहले लिख लेते हैं एक्स वन जो है वो 3 है एंड जो x2 है वो है 6 एंड y1 जो है वो 4 है एंड y2 जो है वो 1 है ओके नाउ डिस्टेंस जो फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे डिस्टेंस फार्मूला तो x2 जो है वो 6 है 6 माइनस x1 जो है वो 3 है y2 कितना है हमारा दिस इज 1 एंड y1 जो है वो 4 है तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर ओके तो ये आ जाएगा 3 जाए 9 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ये प्लस 9 में आएगा ओके तो ये भी अंडर रूट 18 आ गया है तो ये आ जाएगा इसको वैसे ही लिखेंगे हम 3 × 3 × 2 3 × 3 9 × 2 18 ये 3 बाहर आ जाएगा 3 √2 तो जैसे जो हमने पिछले फिगर में देखा था पीछे तो ये जैसे हमारा फिगर है दिस इज ए बी सी एंड डी तो ये भी 3 √2 आया है ये भी 3 √2 एंड ये भी 3 √2 और ये भी हमारा ए डी जो है 3 √2 आया है सो अब हमें निकालना है ए सी और बी डी अगर ये भी इक्वल होते हैं तो ये हमारा ये फिगर है वो स्केयर हो जाएगा नाउ ए सी कितना है हमारा ए के कोऑर्डिनेट्स के कौन से हैं जैसे 3 है 4 है और सी के कौन से हैं हमारे दिस इज 9 और 4 सी वाले ओके सो इसको आगे सॉल्व करें सो डिस्टेंस फार्मूला है जो हमारा x1 जो है वो 3 हो गया x2 जो हो गया वो 9 हो गया है एंड y1 जो है वो 4 है एंड जो y2 जो है वो अगेन 4 है ओके तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 9 माइनस 3 देखो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9 − 3 = 6 का स्क्वायर प्लस 4 − 4 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा 6 × 6 = 36 ये आ गया 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है ओके
तो ये आ जाएगा 6 आंसर आ गया इसका। ये 6 जो है वो 2 टाइम्स आ गया है, तो इसका स्केयर जो है वो अंडर रूट 2 से कट जाएगा, तो ये 6 12 बाहर आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ गया है। ओके नाउ अब हम देखें दिस इज एसी जो है हमारा वो 6 हो गया है। अब बीडी देखें, तो बीडी देखें अगर बी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे दिस इज 6 और 7 एंड डी के जो थे हमारे 6 और 1 तो इसमें है हमारा जो X1 है वो 6 है, X2 जो है वो भी 6 है एंड Y1 जो है वो 7 है एंड Y2 जो है वो 1 है। सो डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा वो X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, X2 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस Y2 कितना है हमारा 1 माइनस एंड Y1 कितना है 7 Y2 माइनस Y1 Y2 जो है हमारा 1 है और Y1 जो है वो 7 है का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 6 हमारा कितना आ जाएगा 36। ओके नाउ अगर 36 को सेपरेट करें तो जाएगा 6 इंटू 6, तो ये 6 हमारा बाहर आ जाएगा, 6 इज द आंसर। तो ये बीडी जो है हमारा वो भी 6 है। नाउ इसके जो 4 साइड्स हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कितने हैं अंडर रूट दैट वाज कितना था 3 अंडर रूट 2 ओके नाउ ए डी जो है वो नो ए सी इज इक्वल टू बी डी ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, डायगोनल्स जो है इक्वल हो गए, कितने हैं 6 सो डायगोनल्स आर इक्वल, हम लिखेंगे देयर फोर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेदर बी फाइंड आउट वेदर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर और नॉट, सो हमें ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।